हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शुभ नंदु चैनल। ये है नवरात्रों की सीरीज और आज है माता रानी का आखिरी यानी नौवां नवरात्र। इस नवरात्र के अवसर पर हम करते हैं घर पे अपने कंजक पूजन और आज हम करते हैं माँ दुर्गा के आखिरी यानी नौवें रूप की पूजा जो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का मतलब है अलौकिक शक्ति की दाता। माँ है कमल में विराजमान, माँ के हैं चार हाथ। माँ ने पहले हाथ में पकड़ा है कमल, दूसरे हाथ में पकड़ा है माँ ने चक्र, तीसरे हाथ में माता के है गदा और चौथे हाथ में माता ने पकड़ा है शंख। माता की सवारी है सिंह। आइए जानते हैं माता रानी की प्यारी सी कथा। जय माता दी। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी सिद्धियों को हासिल कर लिया, जिससे उनका आधा शरीर नारी का हो गया और उन्हें अर्ध नारेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा। एक बार ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा अंग प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस छोटे से अंग ने नारी का रूप ले लिया और वह नारी थी देवी महाशक्ति। देवी ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया और त्रिदेवों को यह समझाया कि वह चिंतन करें। त्रिदेव देवी की सलाह मानकर चिंतन करने के लिए यानी कि तपस्या करने के लिए महासागर के किनारे चले गए और बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सिद्धात्री ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ये समझाया कि अब उन्हें पूरी सृष्टि को संभालना है और उन्हें सृष्टि का कार्यभार सौंपा और उन्हें यह भी बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में है जो उन्हें उनके कार्य करने में मदद करेंगी और तभी से सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि बनी। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की प्यारी सी कथा और इसी के साथ हम आते हैं अपनी नवरात्रि सीरीज की एंडिंग में। आशा करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। ये सीरीज ज्यादातर हम यूथ के लिए बना रहे थे क्योंकि हम लोगों को भी जानना जरूरी था कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और क्या रीजन है 9 दिनों के पीछे का। तो अब हम आते हैं इस सीरीज की एंडिंग में और आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज घर पे रहिए, मास्क पहने। COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे हमने जड़ से खत्म करना है। इसे फैलने से हमें खुद रोक सकते हैं अगर हम घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं, हैंड सैनिटाइज करें एंड अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें इससे भी और उनका आदर करें। जय माता दी। जय माता।